समाचार में तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील बोबी और आप देख रहे हैं मगध संवाद। बिहार शिक्षा समाचार में हम बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम शिक्षा समाचारों को आपके लिए लेकर आते हैं, चाहे वह विद्यार्थियों के लिए खबर हो या शिक्षकों के लिए खबर हो या शिक्षा विभाग से जुड़ी अन्य खबर हो। शिक्षा बिहार शिक्षा समाचार में तमाम खबरों को आपके लिए चुन कर लाते हैं, चाहे वैकेंसी ही क्यों ना निकला हो या किसी परीक्षा का डेट आगे या पीछे हो रहा है या फॉर्म भरने का तिथि कब है, मैट्रिक इंटर का रजिस्ट्रेशन कब हो रहा है या फिर मैट्रिक का फॉर्म कब भरे जा रहे हैं, कोई भी बीपीएससी की परीक्षा हो या डीएलएड परीक्षा हो, सीटेट परीक्षा हो, तमाम चीजों को इसमें संग्रहित करते हैं और बिहार शिक्षा समाचार में आपके लिए लेकर आते हैं जो खबरें आपके कायम लायक होता है। मगध संवाद के बिहार शिक्षा समाचार में बिहार की पहली खबर, सूबे की 500 से अधिक नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग पर लगा ग्रहण। आपको बता दें कि राज्य के 500 से अधिक प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों में आवेदन करने वाले और अपनी नियुक्ति की बाट जो रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार अभी और लंबा हो सकता है। पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद अब उनकी काउंसलिंग पर ग्रहण लग सकता है। इसके लिए तीसरे चरण में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करने को लेकर शिक्षा विभाग में भी अस्पष्टता नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर जुलाई से ही काउंसलिंग आरंभ है। जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगों ने आवेदन नहीं किए थे वहां की नगर निकाय प्रखंड और पंचायत शिक्षक नियोजन इकाइयों में 5 से 12 जुलाई के बीच काउंसलिंग हुई। इस दौरान करीब 20,000 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए जबकि 10,000 से अधिक पद रिक्त रह गए। अगस्त में दिव्यांगों वाली नियोजन इकाइयों में 2 से 13 तारीख के बीच काउंसलिंग हुई। दोनों माह को मिलाकर 500 से अधिक नियोजन इकाइयों में कहीं गड़बड़ी तो कहीं बाढ़ और अन्य तकनीकी कारणों से नियोजन स्थगित किया गया। तीसरे चरण में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होना था लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग को 13 अगस्त की रिपोर्ट 22 जिलों से नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि काउंसलिंग की तिथि तो जारी हो गई है लेकिन पंचायत चुनाव की अधिसूचना अगर जारी हो जाती है तो एक बार फिर से बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया रुक सकती है और शिक्षक नियुक्ति पर ग्रहण लग सकता है, यानी काउंसलिंग पर ग्रहण लग सकता है। इधर प्राथमिक शिक्षा के उपनिदेशक पिछले 2 दिनों से जिलों में जाकर शिकायतों की समीक्षा कर रहे हैं। उपनिदेशक प्रभात कुमार पंकज दरभंगा और मधुबनी के दौरे पर हैं जबकि आरकेसी मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जिला में भेजे गए हैं। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड करने का 8 दिनों का मिला मौका। प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए एक और मौका मिला है बिहार के नियोजित शिक्षकों को। राज्य के पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षकों को NIC द्वारा जिलावार बने वेब पोर्टल पर अपने अपने प्रमाण पत्रों को अपलोड करने का एक और मौका मिला है। शिक्षा विभाग ने निगरानी जांच से वंचित तथा प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों के लिए इसे अंतिम मौका करार दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने गुरुवार को इस बाबत सभी जिलों के DEO और DPO स्थापना को निर्देश भेजा है कि राज्य के सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक वेब पोर्टल को खोला जा रहा है, इसे अंतिम अवसर मानते हुए इस तिथि के बाद प्रमाण पत्र अपलोड करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। निदेशक ने इस अवधि में वैसे शिक्षक जिनका प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जा सका है के प्रमाण पत्रों को अपलोड करना सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने निगरानी जांच से छूटे 89,765 शिक्षकों की सूची जिलावार NIC के वेब पोर्टल पर अपलोड की थी लेकिन संबंधित शिक्षकों को इस वेबसाइट पर अपना निबंधन करते हुए मूल प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी थी। इसके लिए वेब पोर्टल को 21 जून से 20 जुलाई तक खोला गया था। इस अवधि के बीतने के बाद भी करीब 2,500 शिक्षकों के प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जा सके थे। कई शिक्षकों ने अपना गलत EPF नंबर डाल दिया था। हालांकि ऐसे मामलों में जिलों ने विशेष दूत के माध्यम से संबंधित शिक्षकों के सही EPF नंबर राज्य मुख्यालय को भेजे थे। NIC द्वारा इसकी एंट्री 20 जुलाई के बाद भी की जा रही है। आंदोलन पर उतरेंगे बिहार के नियोजित शिक्षक, कोर्ट जाने की भी है तैयारी। आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति से वंचित किए जाने के विरोध में शिक्षक आंदोलन पर उतरेंगे। इसके साथ ही न्यायालय जाने की भी तैयारी है। प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक एवं उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की होने वाली नियुक्ति में TAT/STAT शिक्षकों के साथ सौतेलापन व्यवहार का आरोप लगाते हुए TAT/STAT उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक एवं प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने कहा है कि 4 एवं 5 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर शिक्षक सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस मामले में
इस मसले पर संगठन सड़क से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेगा। संगठन के सचिव अमित कुमार और मीडिया प्रभारी राहुल विकास ने कहा है कि जब तक प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का अलग कैलेंडर हो सकता है तो TAT, TST शिक्षकों का क्यों नहीं। दूसरी ओर राज्य स्तरीय स्नोकोत्तर प्लस टू शिक्षक संगठन ने प्रदेश महासचिव डॉक्टर चिंतनजय चौधरी ने कहा है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए बनी नियमावली को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। आपको बता दें कि प्लस टू शिक्षकों के लिए 8 साल के शैक्षिक अनुभव को संगठन नरगिट सिंह न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल बताया है। इधर TAT प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक राजू सिंह ने प्रधान शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित नियमावली को RTE के प्रतिकूल बताते हुए कहा कि TAT शिक्षकों की हकमारी के खिलाफ सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किया जाएगा। न्यायालय ने स्नातक ग्रेड पर शिक्षित TAT शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद तक उन्नति का आदेश दिया था, जिसका अनुपालन नहीं हुआ है। उधर परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के कार्यकारी प्रदेश संयोजक नवनीत कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री शिशिर कुमार पांडे प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर शिक्षकों को नियुक्ति में प्रोन्नति से वंचित किए जाने का विरोध किया है। इसके खिलाफ संगठन ने 21 अगस्त को सामूहिक उपवास का फैसला लिया है। इस बीच नवनियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश शंकर पांडे ने भी प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर शिक्षकों के प्रोन्नति से वंचित किए जाने का विरोध करते हुए शिक्षकों का आह्वान किया कि 21 अगस्त से आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने में जुट जाएं। नो वर्क नो पे, काम नहीं तो वेतन नहीं, अब यह लागू हो रहा है बिहार शिक्षा विभाग में। शिक्षकों पर गैरहाजिर शिक्षकों को उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा। गैरहाजिर रहे 165 शिक्षकों को एक दिन का वेतन नहीं मिलेगा। अनाधिकृत रूप से 9 से 13 अगस्त के बीच विद्यालय से गैरहाजिर 163 शिक्षक व शिक्षा कर्मियों को उक्त तिथि का वेतन नहीं मिलेगा। जिस दिन वे स्कूल में नहीं थे, ये शिक्षक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के हैं। काम नहीं तो वेतन नहीं के आधार पर वेतन कटौती किए जाने को ले माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्णय लिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों के निरीक्षण में इन शिक्षकों व शिक्षा कर्मियों को अनुपस्थित पाया गया था। जानकारी के अनुसार पटना में 6 शिक्षकों के वेतन की कटौती की गई है। बिहार के निवासी ही बनेंगे प्रधान शिक्षक, आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में होगी निगेटिव मार्किंग भी। नियुक्ति के बाद 2 वर्ष तक रहेगी परिवीक्षी अवधि। विभागीय परीक्षा पास करने के बाद होगी सेवा संपुष्ट। नए संवर्ग के गठन को लेकर नियमावली जारी। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने जो डीपी किए उनको भी मिलेगा मौका। आपको बता दें कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में बिहार के निवासी ही प्रधान अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। प्रधान शिक्षक का जिला संवर्ग होगा, यह पद स्थानांतरित होगा। नियुक्ति के बाद 2 वर्ष तक परीक्षा अवधि होगी। इसके साथ ही उन्हें विभागीय परीक्षा भी पास करानी होगी, उसके बाद ही उसका सेवा संपुष्ट होगी। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार राज्यीकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरित अनुशांसिक कार्रवाई एवं सेवासत नियमावली 2021 अनुसूचित हो गई है। अधिसूचना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुई है। प्रधान शिक्षक पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 5% की भी छूट मिलेगी। इधर बिहार के नियोजित शिक्षक जो DPE भी पास किए हैं उन्हें भी इसमें बैठने का मौका मिलेगा। SSC परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले की उम्मीदवारी होगी रद्द। कर्मचारी चयन आयोग SSC परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द होगी। जरूरत पड़ने पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। आयोग ने परीक्षा के दौरान COVID-19 नियमों का पालन करने को कहा है। साथ ही परीक्षाओं में कदाचार पर लगाम लगाने के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। SSC ने कहा है कि टेस्ट सामग्री का भी किसी भी रूप में लिखित, मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक भंडारण को सार्वजनिक करना, उसका प्रकाशन करना, टेस्ट सामग्री को फैलाना या उसमें मदद करने को गंभीर कदाचार माना जाएगा। ऐसे करने पर परीक्षार्थी को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उनकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी। पंचायत प्रारंभिक शिक्षक ही बन सकेंगे प्रधान शिक्षक। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के नियंत्रणाधीन कार्यरत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षक को प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की गणना का रोस्टर क्लियरेंस वाद आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था को भेजी जाएगी।
सीधे भर्ती है तो प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था रिक्तियों की संख्या विज्ञप्ति करेगा। आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था द्वारा विज्ञप्ति आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में लिखित परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था द्वारा किया जाएगा। यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होगी। आपने अभी देखा बिहार शिक्षा समाचार, कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताएं। अगर बिहार शिक्षा समाचार आपको पसंद आता हो तो जरूर कमेंट कर बताएंगे। अगर कोई सुधार की जरूरत है तो निश्चित तौर पर कमेंट में गाइड जरूर करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे। और शिक्षा समाचार से जुड़े रहने के लिए, अन तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके लिए हम अगर कुछ खबर लेकर आते हैं आपको बेहतर लगता हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और हर खबर को आपको पहले बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।